एचयू कैंप्स में 10 राउंड गोली चलाकर छात्र की हत्या। आज बंद रहेगा विश्वविद्यालय। वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में बिरला ए हॉस्टल के बाहर मंगलवार को दो बाइक पर सवार छात्रों ने 10 राउंड फायरिंग कर निष्कासित छात्र की हत्या कर दी गई। उसके पेट में 3 गोलियां लगी थी। गंभीर हालत में पुलिस उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर गई, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। वहीं बीएचयू प्रशासन ने छात्र की हत्या के बाद एक दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। चीफ प्रॉक्टर रोहिणा सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरव के पिता राकेश सिंह की तहरीर पर बीएचयू चीफ प्रॉक्टर रोहिणा सिंह, आशुतोष त्रिपाठी और रूपेश तिवारी, कुमार मंगलम, विनय द्विवेदी और 2-3 अज्ञात के खिलाफ 147, 148, 149 और 120 बी और 302 और 34(7) आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रॉक्टर पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। वहीं छात्र गौरव सिंह का बुधवार सुबह हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। छात्र की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कैंपस के बाहर भारी फोर्स तैनात है। वीवी से निष्कासित था छात्र। एमएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई के दौरान आगजनी की एक घटना के कारण विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया। गौरव सिंह मंगलवार शाम बिरला हॉस्टल चौराहे पर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। करीब 6:30 बजे दो बाइक पर सवार 4 लोग आए और गौरव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों ने 10 गोलियां चलाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने करीब 10 गोलियां चलाई और गौरव को 3 गोलियां लगी और वो वहीं गिर पड़ा। अचानक हुए हमले में छात्रों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर प्रोक्टोरियल बोर्ड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल गौरव को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां देर रात करीब 1:30 बजे उसकी मौत हो गई। इस बीच छात्रों ने गोलीबारी के लिए बिरला सी हॉस्टल के बाहर छात्र को दोषी ठहराते हुए उन पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें किसी तरह शांत कराया। इसके बाद छात्र ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और वहां हंगामा शुरू कर दिया। हमलावर हवा में गोलियां चलाते हुए भाग निकले। पुलिस ने संदेह के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24 न्यूज़।